हैं, मुस्लिम साथ दे तो हम बीजेपी को हरा देंगे, मायावती। और ये कथन लोकतंत्र का है। मुसलमान और यादव को एकजुट होकर अपनी ताकत हिंदुत्व को दिखानी चाहिए, लालू प्रसाद यादव। ये कथन भी लोकतंत्र है। मुस्लिम और दलितों को एक हो जाना चाहिए, केजरीवाल। ये भी लोकतंत्र है। मुसलमान और यादव हमारी ताकत हैं, मुलायम सिंह। ये भी लोकतंत्र है। मुसलमान मेरे दिल में है, मुसलमान मेरा भाई है। मैं इस्लाम को मिटने नहीं दूंगा, इस्लाम मेरी रूह में है। बड़ा ओवैसी। ये भी लोकतंत्र है। मुसलमान और दलित इस देश की आत्मा में बसे हैं, राहुल गांधी। ये भी लोकतंत्र है। सिख और मुस्लिम उन हिंदुओं को जवाब दें, संजय सिंह। ये भी लोकतंत्र है। ईसाइयों को ये जान लेना चाहिए कि अब तक उनके साथ सिर्फ धोखा हुआ है, केजरीवाल। गोवा में दिया था ये बयान। ये भी लोकतंत्र है। मुसलमानों को मिलकर उनको यानी हिंदुओं को उनकी औकात दिखा देनी चाहिए, अकबरुद्दीन ओवैसी। ये भी लोकतंत्र है। मुसलमान हमारी पार्टी की नींव है, हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं, मुसलमान ही तो हमारी ताकत है, आजम खान। ये भी लोकतंत्र है। हिंदुओं को तोड़ना है तो उन्हें जातियों में बांट दो, फिर उन्हें आपस में लड़ाओ और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को रोजगार दो, अखिलेश यादव। ये भी लोकतंत्र है। भारत से इस्लाम मिटने नहीं दूंगा, हिंदुओं को मजबूत होने नहीं दूंगा, राहुल गांधी। ये भी लोकतांत्रिक आदमी है। इस्लाम अगर साथ दे तो मैं बंगाल को मुस्लिम देश बना दूं, ममता बनर्जी। ये भी लोकतंत्र का नारा तकवीर है। हम सिर्फ हिंदुओं पर रोक लगा सकते हैं या रामायण महाभारत में युद्ध पर दिए गए ज्ञान को हिंसक बता सकते हैं, लेकिन कुरान की हिंसक आयतों में सुधार केवल मुस्लिम वक्फ बोर्ड ही कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ये भी संविधान का ही लोकतंत्र है। पर अगर भारत में कोई हिंदुत्व की बात कर दे, हिंदुओं एक हो जाओ कह दे, तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। वो देश की जनता को भड़का रहा है, देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है, गंगा जमुनी संस्कृति में दरार पैदा कर रहा है। वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में हिंदुत्व की बात करना एक सांप्रदायिकता कहलाता है, सांप्रदायिकता, और देश में तनाव फैलाने की कोशिश माना जाता है। बाकी कोई कुछ भी कह ले, सब कुछ लोकतंत्र है। लेकिन विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर हम हिंदुत्व को बनाए रखना चाहते हैं तो हिंदुओं को एकजुट और एक मत होकर रहना ही होगा। तुम योग का विरोध करते हो, वो विश्व को योग करवाता है। तुम अपने परिवार की मूर्तियां बनवाते हो, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियां बनवाता है। तुम हज हाउस और जुम्मे की छुट्टियां और हज सब्सिडी घोषित करते हो, वो चार धाम को जोड़ने वाली सड़कें बनवाता है। तुम इफ्तार की पार्टियां उन मुसलमानों को देते हो, वो राष्ट्रपति भवन में हवन करवाता है। तुम तुष्टिकरण करते हो, वो विकास की राह दिखाता है। तुम जातिवाद फैलाते हो, वो हिंदुत्व का स्वाभिमान जगाता है। तुम उसकी राह में कीचड़ फैलाते हो, वो कीचड़ में भी कमल खिलाता है। अब एक तुलनात्मक अध्ययन दोस्तों आप देखिए कि भारत का अन्य देशों के साथ रिश्ता कैसा है। दोस्तों एक समय था कि अफगानिस्तान में बौद्ध मंदिरों को तोपों से उड़ा दिया गया था, और आज वहां के राष्ट्रपति हमारे देश के इतने पक्के मित्र हैं कि हमारे देश पे आतंकवादी हमला हुआ तो उन्होंने दक्षेश सम्मेलन में पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया। एक समय था जब ईरान हमारी एक नहीं सुनता था, आज उन्होंने भारत को चाबहार बंदरगाह बनाने और ईरान में अपनी फौजें रखने की इजाजत दे दी है। एक समय था कि नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट हमला करके म्यांमार भाग जाया करते थे, आज वहां की सरकार के सहयोग से इंडियन आर्मी ने वहीं जाके उनके टेररिस्ट कैंप को तबाह कर दिया। एक समय था जब खाड़ी देश पाकिस्तान का साथ दिया करते थे, दाऊद वर्षों तक दुबई में शरण ले रखा था, आज सऊदी अरब ने दाऊद की संपत्ति ही जब्त कर ली है और पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। एक समय था जब खाड़ी देश भारत को कमजोर और गरीब समझते थे, आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने भारत के पीएम के आगमन पे अपने यहाँ पहला हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन दे डाली, आज अचानक क्या हुआ जो बुर्ज खलीफा तिरंगे में रंगा दिखने लगा, आज अचानक क्या हुआ जो हमारी 26 जनवरी की परेड में यूएई का फौजी दस्ता शामिल हुआ था।
आज अचानक क्या हुआ जो भारत में इतनी हिम्मत आ गई कि चीन के अरुणाचल के बॉर्डर में सड़कें बना डाली, हवाई पट्टी बना डाली, 100 मिसाइल भी तैनात कर दी और 118 से ज्यादा टैंक की डिवीजन पोस्ट कर डाली। आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो यूएसए के नव निर्वाचित प्रेसिडेंट ने सबसे पहले भारत के पीएम को फोन करके उनका आभार व्यक्त किया। आज अचानक ऐसा क्या हुआ दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम देने को राजी हो गया। आज अचानक जापान ने इंडिया के साथ युद्धाभास कैसे कर लिया। तब मन ने जवाब दिया कि ये सब परिवर्तन आए मात्र 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के आगमन के साथ। अब मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, क्या भारत में नरेंद्र मोदी के अलावा वर्तमान नेताओं जैसे राहुल, लालू, मुलायम, अखिलेश, पिंकी, सोनिया, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ओवैसी आदि में कोई ऐसा नेता है इस कैलिवर का जो इस प्रकार विश्व को झुका ले। इसीलिए बंधुओं अब फैसला आपको करना है कि घर में ही युद्ध करने वाले चाहिए या घर द्वार त्याग कर मातृभूमि को समर्पित योगी मोदी जैसे ही ओजस्वी व्यक्ति चाहिए। हर बात लाउड स्पीकर से नहीं बताई जा सकती। दोस्तों कुछ देश हित की बातों को मेरी वीडियो के माध्यम से सुना और समझा करो। देश और हिंदुत्व को बनाए रखना है तो वीडियो को खुद तक सीमित मत रखिए, बल्कि ऐसी जनहित वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि हिंदू जागे और सच में अपनी आंखों से देखे। वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करके सांस्कृतिक धार्मिक विश्वास की सेवा करें। कमल को वोट बकवास के लिए नहीं बल्कि विश्वास और विकास के लिए देना है। सोच लीजिए इस समय भारत में यदि विकास और हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कोई पार्टी नहीं है भारत में जो हिंदुओं और भारत के लिए सोचने वाली है। फैसला आपको करना है।